नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। निष्पक्ष मतदान करें, चुनावी माहौल चल रहा है, अपना ख्याल रखें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां नगर पंचायत चुनाव के लिए आज बसपा के पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने नगर पंचायत अतरौलिया में बसपा प्रत्याशी राजेंद्र निषाद के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। डॉक्टर बलराम ने नगर पंचायत भ्रमण कर बसपा के पक्ष में वोट की अपील किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे समाज को टिकट दिया है जिसे कोई नहीं पूछता था, जो निषाद समाज से आते हैं और पहले से ही बसपा ने उन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने इसे देखते हुए अपना उम्मीदवार भी निषाद समाज से खड़ा कर दिया। भाजपा ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस नारे का कोई मतलब नहीं निकला। आज बसपा प्रत्याशी के पक्ष में सभी समाज के लोग एकजुट होकर खड़े हैं। सपा का चुनावी समीकरण इस बार बिगड़ रहा है, क्योंकि नगर पंचायत में जो समस्या है उसे मैं बार बार देखता चला रहा हूँ, चाहे वह जल निकासी की समस्या हो या कूड़े की समस्या। नगर पंचायत में नालियाँ पूरी तरह से जाम हैं, जिसकी सफाई नहीं होती है। बसपा प्रत्याशी की जीत पर नगर पंचायत की व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। लोगों के दरवाजे पर कूड़ा रखने का कूड़ेदान, बिजली की व्यवस्था, नाली तथा जल निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी। बसपा प्रत्याशी राजेंद्र निषाद को नगर पंचायत अतरौलिया से जीत दिलाकर नगर पंचायत का विकास करें। आइए सुनाते हैं कि पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम और राजेंद्र निषाद ने क्या कुछ कहा। पार्टी ने एक ऐसे समाज को टिकट दिया है जिस समाज को कभी कोई पूछता नहीं था, निषाद समाज को है। और हमारा ये टिकट 4-5 महीने से फिक्स है कि यहाँ से राजेंद्र निषाद ही चुनाव लड़ेंगे। जब इनको हम लोगों ने टिकट दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे को जिताने के लिए एक निषाद समाज को खड़ा कर दिया है, लेकिन आज इनके साथ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे अनुसूचित जात के लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे ये निषाद समाज के लोग मौजूद हैं, हमारे राजभर समाज के लोग मौजूद हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं, हमारे छत्तीस समाज के लोग मौजूद हैं। तो हर समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं और सारे लोग इनको वोट कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार जो बलराम जी का समीकरण हमेशा रहा है, वो समीकरण वो टूटेगा और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतेगी। क्या मुद्दा रहेगा कि 20 साल का एक शासन है, उसको किस मुद्दे से तोड़ेंगे? मुद्दा, मेन मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था उस नारे पर वो कभी नहीं उतरे। चाहे हमारा ये नगर पंचायत हो, उन्होंने कहा था कि हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, लेकिन जब नगर में मैं घूमता हूँ तो हमें चारों तरफ गंदगी दिखाई देती है, नालियाँ टूटी फूटी दिखाई देती हैं, और जो भी यहाँ से चेयरमैन बना उन लोगों ने इधर ध्यान नहीं दिया, और ना ही वो यहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हैं, ना ही जगह जगह वो कूड़ा दान रखते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज का उम्मीदवार जीतेगा तो हम जगह जगह कूड़ा दान रखवाएंगे, यहाँ की जो नालियाँ टूटी फूटी है उसको हम सही कराएंगे, जो हमारे रोड खराब हैं उसकी भी हम मरम्मत कराएंगे। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है आपकी बार आप परिवर्तन करके हाथी यहाँ से जीतेगा, परिवर्तन लाएंगे? देखिए, इस बार बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहा है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, जो इस देश में महंगाई बढ़ रही है। पंचायत अतोड़िया से बीएसपी ने आपको टिकट दिया है, आपकी बार कैसे सपा कैसे हरा के आप आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में क्या रणनीति लड़ाएंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरा धन्यवाद मैं संगठन को देना चाहता हूं, जिसके बदौलत हमको टिकट मिला है। मैं उनका सम्मान करता हूं
और रहे यहाँ चुनाव की बात, मैं यहाँ जनता एक तरफा मुझे वोट कर रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ कारणों बस सपा का दबदबा रहा है, जो दबंगई से चुनाव जीतने का काम करते हैं अगली बार कुछ चंद गद्दार कर्मचारियों की वजह से सपा का चुनाव उनके हाथों में गया है। मैं उनको क्या कहूँ, हर बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी दूसरी पोजीशन पर रही है, अब की बार प्रथम पोजीशन पे कैसे आएंगे? जनता एक साथ बसपा को वोट करने जा रही है, हाथ ही आगे बढ़ेगी। क्या मुद्दा रहेगा, मेन मुद्दा बताइए, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा यहाँ रहेगा जो जल जमाव रुकता है उसको साफ सफाई किया जाएगा, जो नाले की सफाई नहीं होती है जहाँ पानी रुकता है उसको साफ सुथरा रखा जाएगा जिससे पानी ना रुके नगर में। आप नगर पंचायत वासी भी है, क्या था कि 20 साल तक एक ही सपा का राज रहा, ऐसा क्या था, क्या परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ बलराम यादव का दबदबा है, वो किसी प्रकार से चुनाव जीतने का काम करते हैं, तन मन धन लगा कर चुनाव जीतने का काम करते हैं। इस बार क्या करेंगे, कैसे आप? जनता सब समझ चुकी है, जनता एक तरफा चुनाव को जिताएगी।